हेलो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया रीस्टार्ट किया है जिसमें हम बात कर रहे हैं SBI बैंक के द्वारा दिए जा रहे होम लोन के बारे में। दोस्तों, उसी सीरीज के चलते आज हम बात करने वाले हैं SBI प्री अप्रूव्ड होम लोन 2023 के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि घर बनाना हर किसी का सपना होता है और इस सपने के पूरा करने के लिए SBI बैंक आपको दे रहा है एक होम लोन जो कि प्री अप्रूव्ड है। ये SBI अपने उन जेन्युइन कस्टमर्स को देता है जो कि लॉयल कस्टमर्स हैं और जिनका सिविल स्कोर ठीक ठाक रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SBI प्री अप्रूव्ड होम लोन के फीचर्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फिर हम देखेंगे कि इसके इंटरेस्ट रेट एंड फीस के बारे में। और आखिर में दोस्तों, हम इसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में देखेंगे। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि आपका जितना भी डाउट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, सारा का सारा डाउट हम इसमें वीडियो के आखिर तक आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं SBI बैंक के द्वारा दिए जा रहे प्री अप्रूव्ड होम लोन 2023 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में इसके 8 इम्पोर्टेंट फीचर्स हमने लिस्ट किया है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फीचर्स है दोस्तों, इसका इंटरेस्ट रेट है जो लो रहता है, लो इंटरेस्ट रेट है। लो प्रोसेसिंग फीस, इसमें आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगता है। फिर यहाँ पे आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं गिरता है। दोस्तों, प्री पेमेंट पेनाल्टी का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने 20 साल के लिए लोन लिया है और इसी लोन को आप 10 साल के बाद एक ही बार में चुकता करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं गिरता है। फिर आपका इंटरेस्ट चार्जेस जो होता है दोस्तों, वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। आप इसका 30 साल के अंदर आराम से EMI भर सकते हैं 30 साल के तक। रीपेमेंट पीरियड जो रहता है दोस्तों, जो 10 ईयर उसको हम बोलते हैं, वो 30 साल का रहता है। होम लोन अवेलेबल एज ओवरड्राफ्ट, अब यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटी मिल जाता है। इंटरेस्ट कंसेशन फॉर वुमेन बोरोअर्स, यहाँ पे आप अगर किसी महिला के नाम पे यह लोन लेते हैं तो आप इस लोन में आपको अराउंड 0.5% तक का कंसेशन मिल जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एलिजिबिलिटी है दोस्तों, आपका जो रेसिडेंट है वो इंडियन होना चाहिए, आपकी मिनिमम एज है वो 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज है जो 17 होना चाहिए। और इसका लोन टेन्योर जैसे भी हमने बात किया, ये 30 साल तक का होता है। दोस्तों, अब इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर, दोस्तों कोई भी लोन का इंटरेस्ट रेट आपके सिबिल स्कोर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो इसका जो सिबिल स्कोर है दोस्तों, वो कम से कम 550 होना चाहिए और इसके ऊपर आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा है, आपके लोन लेने के चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, और उसी के साथ साथ आपको कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है। तो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, जो 8 से 10% के बीच में वेरी करता है। ये दोस्तों आपके सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा, आपको उतना कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है दोस्तों लोन। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 के आसपास होगा तो 8% के कम भी 6.5-7% तक भी आपका लोन मिल जाता है। अब आते हैं दोस्तों इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। दोस्तों, लिस्ट ऑफ पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल टू ऑल एप्लीकेंट, तो जितने भी एप्लीकेंट हैं, एप्लीकेंट बहुत तरह के हो सकते हैं, सैलरीड हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, तो सबके लिए ये 4 डॉक्यूमेंट कॉमन है। पहला होता है दोस्तों एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपका जो आईडी कार्ड है वो, लोन एप्लीकेशन के साथ आपका 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, आइडेंटिटी का प्रूफ जैसे कि पान कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड वगैरह। फिर चौथे नंबर पे आता है दोस्तों प्रूफ ऑफ रेसिडेंस या फिर एड्रेस। तो यहाँ पे आप टेलीफोन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, आपका गैस बिल, या फिर पासपोर्ट का कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी आपका फोटोकॉपी दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों अकाउंट स्टेटमेंट, आपको अपने अकाउंट का पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट देना होता है। इफ़ एनी प्रीवियस लोन फ्रॉम अदर बैंक लेंडर अदर देन अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 1 ईयर, अगर आपने होम लोन लेने से पहले अगर किसी दूसरा लोन लिया है तो उसका पिछले 1 साल का स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों आपका इनकम प्रूफ, सैलराइड एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट और गारंटर। अगर आप सैलराइड हैं, अगर आप को एप्लीकेंट आपके अपने साथ मिला के लोन के लिए अपना करना चाहते हैं, अगर आप गारंटर रखना चाहते हैं तो उनका सैलरी प्रूफ। तो इनका दोस्तों सैलरी स्लिप जो है आपका पिछले 3 महीने का देना पड़ता है, फॉर्म 16 पिछले 2 साल का या फिर IT रिटर्न पिछले 2 साल का देना पड़ता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे,
इनकम प्रूफ ऑफ नॉन सैलरीड को एप्लीकेंट और गारंटर। अगर आप नॉन सैलरीड हैं, जैसे कि आप कहीं के दुकान है, आप कहीं पे बिजनेस करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उस केस में दोस्तों आपका बिजनेस का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, आपका पिछले 3 साल का आईटी रिटर्न, आपका बैलेंस शीट देना पड़ेगा यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो लाइसेंस्ड होना चाहिए, नॉन लाइसेंस बिजनेस वाले ये लोन अवेल नहीं कर सकते। फिर इसका TDS सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंट, ये एप्लीकेबल है CA, डॉक्टर एंड अदर प्रोफेशनल्स के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा पूरा डॉक्यूमेंट का ब्यूरो। आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इसके बारे में अगर पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है हम जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।